हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि कोई स्टूडेंट अगर अभी पीडीपीटी कर रहा है तो उसको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और अभी जो वो अपना क्या क्या एक्टिविटीज रखे और क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान दे तो उसका नौकरी तक का जो सफर है वो थोड़ा आसान तरीके से हो सकता है। तो जो हम बोलेंगे वो दो चीज पे आधारित रहेगा, एक मेरा खुद का चीज जो हम अपने लाइफ में किए हैं और दूसरा वो सब चीज जो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड लोग जो जॉब लिया है वो क्या करता था पीडीपीटी के समय में। दोनों चीज को कंपैरिजन करेंगे, हम अपना कुछ फ्रेंड्स का एग्जांपल लेंगे। जैसे मेरा फ्रेंड जो सरवन है, सरवन रवानी WCL में माइनिंग सरदार है, राजेश कुमार जो NCL में ओवरमैन है, अली इमाम जो NCL में ओवरमैन था, NCL के बाद अब वो BCCL में आ गया है, और चौथा एग्जाम्पल हम अपना खुद ले लेते हैं और कुछ और एक दो फ्रेंड लेते हैं जो बहुत अच्छा था, जिसका हम एग्जाम्पल आप लोगों को सेट करके दे सकते हैं, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कई सारा स्टूडेंट जो होगा वो ये लोग को पहचानता भी होगा। एक हो गया विजय गोराय, ठीक है, विजय गोराय हो गया, विष्णु केवट हो गया, है ना, विजय गोराय जो है अभी WCL में काम कर रहा है, और हम लोग एक का दोस्त है रणधीर कुमार, रणधीर सिंह शायद लिखा था, गांधी कन्नी हम लोग उसको बोलते हैं। ये सब जो फ्रेंड है ये सब के लाइफ के इर्द गिर्द आपको चीज बताएंगे कि ये लोग अपना पीडीपीटी के समय में क्या करता था, और एक हम खुद अपना एग्जाम्पल देंगे। पहले बताते हैं जो हम लोग के बीच कॉमन था, बहुत सारा जो फ्रेंड जिसका हम नाम लिया वो सब नॉन वर्किंग स्टूडेंट था और हम एक वर्किंग स्टूडेंट थे। वर्किंग और नॉन वर्किंग स्टूडेंट के बीच ये अंतर हो गया कि नॉन वर्किंग का मतलब हो गया वो लोग कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, हॉस्टल में रहता था, या वहाँ जो पंडरपाला बोलते हैं ना, कौन सा जगह बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं, बाबूडी में हॉस्टल में रहता था वो लोग रूम लेकर के। और हम जो मैं आम हो गया या सरवन रवानी हो गया या विष्णु केवट ये सब हो गया, ये सब जो है वर्किंग में आ जाते थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज के बाद घर आ जाते थे, घर के बाद आपको पता है जिनको जो मेरे बहुत करीब से आके मिले हैं या जिनको पता है वो जानते हैं कि मेरा एक दुकान है, हम अपना दुकान चलाते थे और दुकान चलाते हुए अपना पढ़ाई कंप्लीट करते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि लाइफ के इर्द गिर्द क्या चल रहा था पीडीपीटी के समय। देखिए, हम लोग के पास कोई बैकअप नहीं था, पहला चीज एक बात बता दे रहे, ऐसे स्टूडेंट जिसके पास ऑलरेडी बैकअप है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो उनको बता दे भाई इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो बना मतलब बना पाया तुम्हारा फैमिली बिजनेस है उसके ऊपर शिफ्ट कर जा, क्योंकि ये जो पाथ है ना ये आसान पाथ नहीं होने वाला। और वैसे स्टूडेंट जो एकदम डेडिकेशन दृढ़ निश्चय के साथ आ चुके कि अब तो नौकरी लेना है, इसके अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरा फैमिली का स्थिति, मेरा पारिवारिक स्थिति, मेरा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली स्टेटस है, उसको सुधारने के लिए हमको हर हाल में नौकरी चाहिए, तो वैसा कैंडिडेट के लिए हम बताते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी टाइप के कैंडिडेट से बिलोंग करते थे कि हम जितने भी फ्रेंड्स के नाम लिए उसमें से कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं था जिसका बना बना ऑलरेडी फैमिली सेटअप हो। राजेश कुमार के पिताजी जो थे धोरी में ओवरमैन थे, बाकी सब जो थे लगभग लगभग लोअर मिडिल क्लास से थे। चैप्टर शुरू होता है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर से, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विजय गोराय और बाकी जितना फ्रेंड लिए अच्छा खासा स्टूडेंट रहा है। हम ये लोग से बहुत पीछे रहते थे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेकिन पीछे ही रहते थे। पीछे रहने का कारण ये भी था कि फैमिली प्रेशर मेरे पर ज्यादा रहता था और ये लोग हॉस्टल पे पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई पे ये सब जो है कंप्लीट ध्यान देता था, कॉलेज लाइफ के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं। यहाँ वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यही रिदम चलता रहा, हमेशा पढ़ाई में एक्टिव रहा, कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं था, हमेशा वीटी जाता था, वीटी जहाँ जाता था वहाँ दिमाग खुला रखता था, कहीं कोई चीज देखा तो उसे क्या क्या, वो लोग उस समय से या हम भी समझिए उसी समय से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते रहते थे कि किन किन टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछता है, और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है उसको जब भी हम लोग वीटी या कोई ट्रेनिंग में जाते थे वहां पे हम लोग उसको मेमोराइज कर लेते थे, ज्यादा सामने से देखते थे, ज्यादा बेहतर तरीका से याद हो जाता था। अब आ जाता है चैप्टर, यहाँ थर्ड ईयर तक का खत्म हो जाता है, इसके बाद आता है पीडीपीटी। पीडीपीटी से हर स्टूडेंट गजब का एक्टिव हो गया था, मतलब हर वो स्टूडेंट जो नौकरी ले रहा था उस समय निश्चित था कि वो पीडीपीटी में भरपेट पढ़ाई करता था। पीडीपीटी में एक ही काम बचता था, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। अपना ट्रेनिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाने के समय भी जब हम लोग ग्रुप में मिलते थे, ये ग्रुप में जब सब एक दूसरे से मिलते थे तो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन कोई बॉलीवुड या फिर कोई क्रिकेट या कोई
कुछ और नहीं रहता था, हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहता था वो हमेशा माइनिंग से रिलेटेड रहता था, पढ़ाई से रिलेटेड रहता था, क्या क्या क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड रहता था, नॉन टेक में क्या क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड रहता था। इसी बीच सरवान, राजेश, ये सब जो है एमआई में भी एडमिशन कराया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का 2013 के बाद का रजिस्ट्रेशन था। साथ ही साथ उन लोग ग्रेजुएशन भी इनमें से कर रहा था, तो उन लोग का पढ़ाई का रिदम बहुत अच्छा चलते रहता था। पीडीपीटी में आप क्या होता था? पीडीपीटी हम लोग सबको लगभग इधर जितना था, अली इमाम हो गया, हम हो गया, विजय घोराज हो गया और विष्णु हो गया, इस सबको जो ट्रेनिंग मिला था सबको हम लोग को धोरी सीसीएल में मिल गया था, धोरी एरिया में। राजेश को शायद पता नहीं कहाँ मिला था, राजेश का हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग बाकी सबको जो है, राजेश को शायद उसको भी कहीं सीसीएल में ही दूर में मिला था। हम लोग इधर मिल गया था तो हम लोग साथ में कभी कभार मिलते थे माइंस में, माइंस में जब भी मिलते थे तो हम लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट रहता था, भाई आलतू फालतू टॉपिक पे बात ही नहीं करना है। अगर वहां हम लोग मिले हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकते हैं हर एक टॉपिक पे, माइंस के अंदर गए कुछ भी दिखा उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, वहीं पे बैठ के घंटा 2 घंटा 3 घंटा वही रिवाइज, क्योंकि फ्रेंड के साथ पढ़ने से ना एक अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे 4 फ्रेंड है, हो सकता है कोई एक टॉपिक में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई एक लड़का होगा जो इस टॉपिक पे ना एकदम महारत हासिल किया हुआ होगा, वो क्या है उसका कोई ना कोई ट्रिक लगा के या कुछ ना कुछ व्यवस्था से आप जो 4 लड़का के बीच में बैठेगा आपको आपको प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो था क्लियर करके रखे थे। जैसे अभी देख लीजिए कि क्वेश्चन में सेफ्टी कैच और डॉग्स ये सब के बारे में आया था, तो ये सब के बारे में हम लोग जो है माइंड में ही रहते रहते हर चीज के बारे में पढ़ के समझ के फोटो खींच के 10 बार उसके बारे में डिस्कशन करके एक्टिव आपको पीडीपीटी में पूरा रहना, क्योंकि पीडीपीटी के बाद आपको कोई चांसेस नहीं मिला। पीडीपीटी जैसे खत्म होगा आपको पता है 2 से 3 महीना के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है, 3 महीना के अंदर जैसे सर्टिफिकेट मिला हो सकता है किस्मत से तुरंत वैकेंसी आ जाए, तुरंत वैकेंसी आ जाए और आपको एग्जाम में बैठना पड़ जाए। तो आप सोच के देखिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी 4 साल से 5 साल से पढ़ रहा होगा, जो ऑलरेडी 3 साल पूरे डिप्लोमा ठीक ठाक से पढ़ाई किया है अपना हर एक चैप्टर, आप देखिए अभी भी मेरे पास जो है डिप्लोमा तीनों ईयर का नोट्स, तीनों ईयर का बुक्स अभी भी रखा हुआ, अभी भी हम पढ़ते हैं। कारण क्या है कि उसको जितना, अभी क्या है कि बच्चा है, बच्चा को आप गाय के बारे में निबंध लिखने दीजिए तो क्या लिखेगा, गाय का 4 पैर होता है, गाय का एक मुंह होता है, गाय दूध देती है, गाय को घर में रखते हैं। लेकिन यही यही गाय के बारे में अगर आप मैट्रिक का लड़का को दीजिएगा वो इसका कुछ और मीनिंग निकाल के एक्सप्लेन करेगा, और यही टॉपिक को कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट को दीजिएगा वो इसके बारे में कुछ और सोच के दे, इंडिया मतलब इंडिया में क्या गाय से इसका इकोनॉमी संबंध रखता है, गाय कैसे जो है पूरा गाय से संबंधित व्हाइट रेवोल्यूशन था, मिल्क का उत्पाद था, कैसे सुधा का उत्पन्न हुआ दूध के कारण, कैसे पर्सन टू पर्सन मिल करके कंपनी खड़ा कर दिया था जो व्हाइट रेवोल्यूशन के समय में, कि नहीं दुग्ध का एकदम पूरा उत्पादन करना है देश में। तो अब हाई लेवल देखिए टॉपिक तो वही है, लेकिन जितना आप नॉलेजेबल पर्सन बन रहे, जितना आप ऊपर तक जा रहे हैं, आप क्या है उसी टॉपिक को इलाबोरेट करके पूरा अच्छा से समझने सक रहे हैं। अभी देखिए गाय के बारे में कहां एक बच्चा सिर्फ छोटा सा चीज बता रहा था, अभी क्या है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसको कहाँ ले गया, रेवोल्यूशन में ले गया, एकदम उठा करके कहाँ लिख करके पटक दिया कि कैसे जो है हम लोग का सुधा दूध स्टार्ट हुआ था, कैसे जो है हम लोग का मदर डायरी स्टार्ट हुआ। देखिए चीज तो वही था, टॉपिक तो वही था, लेकिन थिंकिंग का कैपेसिटी बहुत बढ़ गया था। ऐसा ही वही सेम टॉपिक जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, वही सेम टॉपिक जब आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे, दोनों बीच में आपको बहुत सारा चीज का अंतर नजर आएगा। आप जो है फर्स्ट ईयर की तुलना में उसी एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 को थर्ड ईयर में और ज्यादा बेटर समझ पाइएगा। अगर आपके साथ ये होता है तो हम 2 से 5 सेकंड का ब्रेक लेकर के आपको बोलेंगे, आप कॉमेंट में लिखिए जरूर इस बात को कि हाँ ऐसा हमको फील होता है, अगर आपको फील हुआ है तो, ताकि हमको भी लगे कि हाँ भाई जो हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं या जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो पॉइंट सच में रियल वर्ल्ड में अप्लाई होता है या रियल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ बात हो गया कि पीडीपीटी में हर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव था, कोई भी निष्क्रिय टाइप में नहीं रहता था, जहां जाता था करेंट अफेयर बहुत तगड़ा रखता था, स्पीडी का बुक आता था, विजय गोराय, विजय मातो, ये सब एकदम रटते रहता था स्पीडी का बुक को, हम तो स्पीडी का बुक से थोड़ा पीछे ही रहते थे, राज्यसभा लोकसभा क्या 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 नहीं लोग स्पीडी से रट लिया था, लास्ट में हम बस उनसे बैठ के ऐसे सुनते रहते थे, भाई बोलते जा सुन सुन, हाँ भाई फलाना ये है ढकाना ये है। तो अब क्या करेंगे, हमको स्पीड में उतना पढ़ने नहीं बनता है, तो ग्रुप का यही फायदा उठाते थे कि अगर आप बोल रहे हैं एक दूसरे से बात करें चुपचाप ऐसे करके सुनते रहते थे, हाँ बोलो बोलो। तो
आपको अपना टेक्निक डेवलप करना है, क्योंकि हमको करंट अफेयर बड़ा बोरिंग लगता था, अब उसको हम कैसे याद करें? तो याद करने का यही तरीका, अगला कोई बोल रहा है तो सुन लेते हैं, सुना सुनाया बात में याद हो जाता ना, जैसे औरंगजेब पूरा ब्राह्मण को मारता था, औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, सुना सुनाई बात पे आदमी बिलीव कर लेता है, लेकिन सच में ऐसा थोड़ी हुआ होगा। इसलिए जब वो लोग स्पीडी पढ़ रहा था तो हम बस बैठ करके सुन लिया करते थे, और लास्ट टाइम जब हम एग्जाम भी देने जा रहे थे WCL का, तो वो लोग स्पीडी को रिवाइज कर रहे थे, हम बैठ करके बस सुनते जा रहे थे। तो करंट अफेयर वहां से हो जाता था। मैथ रीजनिंग जो था, अपना दोस्त लोग ग्रुप डी का तैयारी करता था, रेलवे की तैयारी करता था, उसके साथ थोड़ा बैठ जाता है। मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि पढ़ना है तो खुद से किताब खोल करके हम पढ़ेंगे तभी वो पढ़ेगा। अरे कोई पढ़ रहा है उसके बगल में बैठ गए, किसी के बना रहा, थोड़ा सा ट्रिक देख लिए, थोड़ा सा समझ लिए, क्योंकि जो रेलवे का तैयारी कर रहा था उसका गजब का ट्रिक रहता था मैथ रीजनिंग बनाने का। वो सब ट्रिक तो हमको सीखने में समय, क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं, अब हम लोग से इंजीनियरिंग पूछो तो समझ में आता है इंजीनियरिंग तोड़ फोड़ जोड़ क्या होता है, अब मैथ रीजनिंग पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है ट्रिक से। हाँ, पुराना टेक्निक से बनाते हैं, मैनुअल टेक्निक से बनाते हैं, तो वो लोग के साथ बैठ के बस ये सब सीख लेते थे। तो हम बोलेंगे जो भी पीटी पीटी का लड़का है उसको यही सजेस्ट करेंगे, आप लोग भी यही सब टेक्निक आजमाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपका सर्टिफिकेट हाथ में रहेगा और वैकेंसी निकला हुआ रहेगा, तब 2 से 3 महीना में आप जाइएगा फलाना माइनिंग कोचिंग सेंटर, 3 महीना क्रैश कोर्स, 2 महीना क्रैश कोर्स, 6 डेज क्रैश कोर्स, ऑल रिवीजन, कोई फायदा नहीं होने वाला है, रट्टा मार करके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको बहुत ज्यादा रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ता है। उम्मीद है ऐसा स्टूडेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछे थे सर पीडीपीटी स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए, उनका बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट अभी भी है और क्लियर नहीं हो पाया है तो आप जो है कमेंट में बोलिए, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और भी कोई अगर टॉपिक है उस तरह का, क्योंकि अभी से हम थोड़ा फ्री चल रहे हैं, 31 मार्च का प्रेशर था, काफी कम हो गया है अब प्रोटेक्शन महीना का, तो अब हम आप लोगों के साथ अवेलेबल रहेंगे। जो भी तरह का दिक्कत है आप लोग इत्मीनान से बोलते जाइए, हम भी बैठे हुए हैं आपके आंसर देने के लिए, और देखते हैं कुछ दिन में जो है मिलजुल के पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हमको इस तरह का पढ़ाई कराने का बिल्कुल मन नहीं करता है जिस तरह का अभी हम ऑनलाइन कोचिंग में देख रहे हैं। कि अब बताइए ना कि अभी माइनिंग का स्टूडेंट थर्ड ईयर पास कर दिया और उसको अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, माइनिंग क्या होता है, कोयला कैसे बना, आपको लगता है कि ये सब सिखाना, मतलब अभी कैसे सिखाए? हम खुद कोई पूछेगा तो हम उसको नहीं बताएंगे, बोलेंगे यार तुम जाओ खुद से पढ़ लो, ये सब चीज हम नहीं बता पाएंगे। कोई ऐसा चीज के बारे में फंसे, देखो यहाँ पढ़ना पढ़ाना नहीं होता, ना हम आपको पढ़ा सकते हैं ना आप हमसे पढ़ सकते हैं। एक बात बता दो, भारत का इंडिया का स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है कि इसको कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये हमसे लिखवा के ले लीजिए। इंडिया का स्टूडेंट को कोई पढ़ा ही नहीं सकता, खुद इतना मतलब पढ़ने का कैपेसिटी रहता है, अगर वो ठान लेना कोई चीज को, इसको हमको पढ़ना है, इसको समझना है, तो कोई उसको पढ़ा नहीं, इंडिया के स्टूडेंट को पढ़ाएगा यार? हम लोग बुड़बक झेलना है क्या कि पढ़ाएगा कोई हमको, है ना? हमको जिस दिन पढ़ना रहे किताब को एकदम बढ़िया से समझ के पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर से ये चीज को डेवलप कीजिए कि हम ऑलरेडी पढ़ने के लिए डेडिकेटेड है, खूब मेहनत करने के लिए हम डेडिकेटेड है। देखिए बेसिक बेसिक चीज आप लोग तैयार करके रखिएगा, तो कहीं हम लोग गड़बड़ होता है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगा, तो मिलजुल के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, मिलजुल के हम लोग कोई टेक्निक निकालते हैं। जैसे फेंसेस बहुत किसी को याद नहीं हो रहा था तो टेक्निक निकाल लिया, एगो बहुत कोई को अच्छा लगा, बहुत कोई पढ़ा। ऐसा ही देखिए एक टॉपिक तो वो वाला रिस्क वाला, वो भी हम लोग कवर किए, काफी इजी लैंग्वेज में कवर हो गया, 3-4 मार्क्स भी बहुत स्टूडेंट का उठा था वो एक छोटा सा वीडियो से। तो हम लोग ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, ना हम आपको पढ़ा सकते हैं ना आप हमसे पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बड़ा भाई जैसा समझिए कि आपको जहां दिक्कत है आप हमको व्हाट्सएप मार दिया कीजिए, हम उसके बारे में हम भी थोड़ा बहुत पढ़ करके आपको और अच्छा से और इजी लैंग्वेज में, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ला करके आपको अपना भाषा में समझाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना फ्रेंड्स वो इंग्लिश टॉपिक पे होगा। हमको डेली 10-20 स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर हम हिंदी मीडियम से क्या करें, सर हम हिंदी मीडियम से हमको आता सब कुछ है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो उसका लैंग्वेज देख करके हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, और फिर जो है बाद में हमको वही क्वेश्चन जो है कोई मेरा दोस्त इजी लैंग्वेज में पूछता है तो हम सब बता देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस टॉपिक पे होगा, और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा जो जो चीज आपको बोलते हैं फ्रेंड्स, कमेंट में बताया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, है ना? जो बोलता है ना कि लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, कोई पैसा नहीं आता यूट्यूब से, बहुत ज्यादा 1-2 पैसा रुपीज भी मत जाइए, 1-2 पैसा पर व्यूज में मिलता है, 1000 व्यूज पे वही 20-25 रुपये मिलता है। तो आप समझ जाइए हम कमेंट इसलिए करने बोलते हैं ताकि हमको अभी का सिचुएशन क्या चल रहा है इसके बारे में पता चल सके।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए छत्रपति शिवाजी का पीछे वीडियो भी चलने लग गया है ना, तो महाराष्ट्र का जो स्टूडेंट है वो तो पूरा जोश में आ गए होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को देख करके, है ना। जूम कर दे क्या होगा जूम। ठीक है फ्रेंड्स, जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बताइए आपका अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो, के लिए जय हिंद।